अकाउंटिंग इक्वेशन में दो चीजें रहती है, एक होता है सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड मतलब क्या कि पैसा किधर से आने वाला है। एक बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे पहले तो ओनर लेके आता है। जो बिजनेस का ओनर है वो क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा ना। अभी कैपिटल कम गिर रहा रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, हाँ क्या करोगे बताओ ना। मुझे 1 लाख का फर्नीचर लेना है, मैंने मेरे बिजनेस में सिर्फ 50,000 डाले, तो ऊपर वाले 50,000 कहाँ से आएंगे, बोरोइंग्स ना। आप लोन लोगे, लोन किससे भी लो, पर्सन से लोगे, मतलब कोई भी पर्सन रहने दो, फिर बैंक रहने दो, एक इंडिविजुअल से लोन ले रहे हो, किससे भी लोन ले सकते हो आप लोग। इज इट क्लियर? तो वो हम लोग ने देखा था सोर्स ऑफ फंड में क्या होता है, जहां से पैसा आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या, जहाँ पे पैसा आप लगाने वाले हो, असेट्स। इज इट क्लियर? हाँ। फिर हम लोग ने इक्वेशन देखा था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू माई असेट्स, और कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, दैट इज नथिंग बट योर नेट वर्थ। मैंने कल ही बताया था कि अगर 1 करोड़ की आपकी बैलेंस शीट की बैलेंस है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी 1 करोड़ की इज्जत है, नहीं, आप उसमें ये चेक करोगे कि आपकी लायबिलिटी कितनी है, समझ रहे हो।